दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट इलाके के थाना जहांगीरपुरी क्षेत्र में दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा सड़क पर लगी अवैध पार्किंग को खाली कराया गया। कुछ गाड़ियों को क्रेन के द्वारा उठाकर ले जाया गया और साथ ही लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर ने बताया कि उन पर लगभग 5500 रुपये के चालान काटे जाएंगे और 1 किलोग्राम के हिसाब से भी उनका प्रतिदिन के हिसाब से चालान जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि MCD की कंप्लेंट पर अवैध रूप से लग रही गाड़ियों के हम चालान काटने का काम करते रहते हैं। जी हमारे हायर अथॉरिटी हैं, हमारे DC साहब के अथॉरिटी, उनके ऑर्डर से हमने यह सारा इंक्रोचमेंट रिमूवल कर रहे हैं, गाड़ियाँ हटा रहे हैं, इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं। तो इसके क्या नियम कानून है इसके? जी इनलीगल पार्किंग से हम गाड़ियाँ उठा रहे हैं, इनलीगल पार्किंग जितनी है वहाँ पे अनऑथराइज पार्किंग जो है उसको हम वहाँ से हटा रहे हैं और इंक्रोचमेंट वहाँ से रिमूव कर रहे हैं। देखिए परमानेंट जो है उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम टाइम टू टाइम यहाँ से रिमूव करते रहते हैं और समय पे यहाँ से हम गाड़ियाँ उठाते हैं, इंक्रोचमेंट भी हटाते हैं, क्योंकि दिल्ली ये अपना जहांगीरपुरी हॉटस्पॉट एरिया है। बिल्कुल, वजह से हम यहाँ पर डेली यहाँ पर प्रोग्राम चलाएं। वहीं स्थानीय निगम पार्षद अजय शर्मा ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि ये गाड़ियां इसी तरह से हमेशा अवैध रूप से सड़कों पर लोगों के द्वारा लगाई जाती है, जिनकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि अभी तो स्कूल बंद हैं, लेकिन जब भी स्कूल खुले होते हैं बच्चों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और साथ ही बच्चों के एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। सड़कों पर जाम लग जाता है और रोड पर चलती हुई गाड़ियों को निकलने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से MCD के कंप्लेंट के द्वारा रोड पर से गाड़ियां हटाई जा रही है। जो डी ब्लॉक और सीडी पार्क वाले बीच में जी ब्लॉक के बीच में रोड है, इस पर बहुत सारे इंक्रोचमेंट है और इसका आए दिन हाउस में भी, स्टैंडिंग में भी और बहुत सारे लोगों के माध्यम से भी कंप्लेंट आती रहती है। तो उस पर MCD अपना काम की ये MCD की कंप्लेंट पर गाड़ी उठती है और पर गाड़ी का लगभग 5500 रुपये का चालान भी होता है और जो गाड़ी एक दिन रुकी जाती है उसका पर डे पेनल्टी भी चार्ज होती है। तो MCD को मुआवजा भी मिलता है और MCD पे हर जाना भी होता जाता है। देखिए जैसे कि आपने एक तरफा देखा हमारे कर्मचारी को सैलरी नहीं मिल रही है और पूरी दिल्ली में जगह जगह अनऑथराइज पार्किंग चल रही है, अनऑथराइज बिल्डिंगें बन रही हैं और अनऑथराइज बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जिसके कारण हमारी MCD को कुछ नहीं। फिलहाल MCD की कंप्लेंट के द्वारा अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों की पार्किंग को खाली कराया गया है और उस पर चालान किए गए हैं ताकि आने वाले समय में लोगों को अवैध पार्किंग से हो रही परेशानियों का सामना ना करना पड़े। दिल्ली से विनय गुप्ता की रिपोर्ट, हम वतन TV।